यूपी के मेरठ से धर्म परिवर्तन का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां हिंदू समाज के 400 लोगों को पैसे का लालच देकर ईसाई बनाया गया। आरोप है कि पिछले 3 सालों से गरीब लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि इलाके में एक अस्थायी चर्च भी बना दिया गया है। दिल्ली के पटेल नगर में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने मनोज नेगी को घर के सामने ही चाकू गोद कर मार डाला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हमला करने वाले दोनों आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। हत्या से नाराज लोगों ने पटेल नगर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को मार गिराया। घुसपैठिया भारतीय सीमा में 250 मीटर तक अंदर घुसाया था। बीएसएफ का कहना है कि घुसपैठियों को रुकने को कहा गया लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद फायर किया गया जिसमें उसकी मौत हो गई। बीएसएफ ने अनूपगढ़ पुलिस को पाकिस्तानी घुसपैठिये का शव सौंप दिया है। बिहार के औरंगाबाद में छठ के महापर्व के दौरान बड़ा हादसा हो गया। छठ का प्रसाद बनाते वक्त रसोई गैस के सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी समेत 50 लोग झुलस गए। 10 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है घर में छठ का प्रसाद बनाया जा रहा था, तभी सिलेंडर में आग लग गई और लोग आग बुझाने लगे। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कोशिश में जुट गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान किसी ने सिलेंडर पर पानी फेंक दिया, जिसके बाद ब्लास्ट हो गया। झारखंड में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन जमशेदपुर में छठ को लेकर विवाद हो गया। पूर्व सीएम रघुवर दास और एमएलए सरयू राय के समर्थक आपस में भिड़ गए। नौबत मारपीट तक आ गई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों गुटों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज कराई। इसके बाद प्रशासन ने सिरगोड़ा टाउन हॉल परिसर में ताला लगा दिया और कार्यक्रम नहीं करने देने की घोषणा की। कानपुर के एक जर्जर मकान गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। घटना हीरामन इलाके की है। दरअसल एक शख्स अपना जर्जर मकान गिरा रहा था। इसी दौरान रास्ते से एक बच्ची गुजर रही थी, तभी मकान का छज्जा ऊपर से बच्ची के ऊपर गिर गया। हादसे के बाद मकान मालिक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुंबई में छठ पूजा मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जो लोग छठ पूजा के लिए समंदर किनारे नहीं जा सकते, उनके लिए कृत्रिम तालाब बनाए जा रहे हैं। मलाड, कांदिवली, कुर्ला और घाटकोकर पर सबसे ज्यादा कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। तालाब के पास पेंटिंग से लेकर लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि कोई परेशानी ना हो। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां क्रेडिट ले रही हैं और अपने अपने पोस्टर्स लगा रही हैं। वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर हादसे का शिकार हो गई। गुजरात के वलसाड में वंदे भातरम ट्रेन ने गाय को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रेन का अगला हिस्सा टूट गया। हादसा गुजरात के अतुल रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जब ट्रेन मुंबई से गांधीनगर जा रही थी। हालांकि कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन फिर रवाना कर दी गई। हादसे के बाद रेलवे की तरफ से कहा गया कि वंदे भारत ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले 7 अक्टूबर को भी देश की पहली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन जानवर से टकरा गई थी। केजरीवाल सरकार पराली से निपटने के लिए बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन की सुविधा दे रही है, लेकिन सरकार की सुविधा से दिल्ली के किसान खुश नहीं है। दिल्ली देहात के किसानों का आरोप है कि बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन का छिड़काव करने वाली टीमें आती जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 से 10 एकड़ में ही छिड़काव करती हैं, जबकि कागजों में एंट्री 40 एकड़ की करती हैं, जिससे पराली की समस्या चूंकि तो रहती है और मजबूर उन्हें बची पराली को जलाना पड़ता है। महाराष्ट्र के सांगली में मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसमें 20 मजदूर घायल हो गए। घायल होने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक गन्ना तोड़ने वाले मजदूरों को लेकर जा रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के वक्त ट्रक सांगली से जालना की तरफ जा रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते हुए टल गया। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6C2131 इंजन में अचानक आग लग गई। आग दिखते ही पायलट ने सूझबूझ के साथ प्लेन को रनवे पर ही रोक दिया, लेकिन विंडो सीट पर बैठे किसी भी पैसेंजर को इंजन से आग की लपटें और चिंगारी दिखी तो उसका दिल सहम गया। फ्लाइट में चीख पुकार मच गई। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 184 लोग सवार थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने DGCA को घटना की जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर रहे, विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन नवसारी में आज अरविंद केजरीवाल को बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के काफिले के दोनों ओर लोग जमा थे, सभी जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। केजरीवाल को लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। यहाँ भी महिलाएं मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।